नमस्कार दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम लोट लगा आद्यार्थ काल के विषय में पढ़ेंगे। पट धातु में एंडिंग जोड़ करके आद्यार्थ काल की क्रियाएं बनाएंगे। लोट लगा आद्यार्थ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये प्रथम पुरुष की एंडिंग्स हैं, ये मध्यम पुरुष की, ये उत्तम पुरुष की। देखिए, पट धातु ठे में हलंत है, तो हलंत के आगे अतु ये एंडिंग्स हम जोड़ेंगे। तो ठे में जो हलंत है, एस वर जोड़ने पर ही हलंत हट जाता है। इस प्रकार से पठतु क्रिया बनी। फिर उसी प्रकार से अताम जोड़ेंगे मूल धातु में। मूल धातु में जब एस वर जुड़ता है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल एस वर इस मूल इस धातु में जुड़ते हैं, तो ये हलंत हट जाता है। देखिए, पठ ताम हलंत हटा देते हैं और ये ऐश्वर इस व्यंजन में मिल जाता है। इसी प्रकार से ऐश्वर इस व्यंजन में मिल जाता है, तो बन गई धातु पठंतु। इस प्रकार से लोट लकार की प्रथम पुरुष की क्रिया बनी, पठतु, पठताम, पठंतु। ये ऊपर मैंने लिख रखी है कि प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठंतु, इस प्रकार से प्रथम पुरुष की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, पठ प्लस ए, तो पठ केवल ए, ए ठे में जोड़ देते हैं तो ठे का हलंत हट जाता है। उसी प्रकार से पठ प्लस अतम, तो पठतम। पठ प्लस अत, पठत। पठ प्लस आनी, आ की मात्रा लगा देंगे ठे में, पठानी, क्योंकि एक ही मात्रा नहीं होती, एक के अलावा सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। पट प्लस आवे, पठावे। पट प्लस आम, पठाम, क्योंकि ठे से हलंत हट जाता है जब हम आ की मात्रा इसमें लगाते हैं, आ इसमें जुड़ता है, तो एक ही मात्रा नहीं होती और सभी स्वरों की मात्रा होती हैं। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। कर्ता जिस पुरुष तथा वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन में होगी। जैसे मैं पढ़ूं, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठानी, तो अहम पठानी, मैं पढ़ूं। हम दोनों पढ़े, हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं पठा, तो आवाम पठा, हम दोनों पढ़े। हम सब पढ़े, हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन है, वयम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पठा, तो वयम पठा, हम सब पढ़े। तुम पढ़ो, तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष, त्वम, तुम, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया करेंगे पठ, तो ये त्वम पठ, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे त्वम पठ, तुम पठो। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन है, युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठतम, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। तुम सब पढ़ो, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, तुम सब, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत, तो यूयम पठत। गणेश पढ़े, गणेश प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठतु, तो गणेश है पठतु। सुरेश और सीता पढ़े, सुरेश और सीता प्रथम पुरुष द्विवचन, तो सुरेश है सीता च ए पठताम, प्रथम पुरुष द्विवचन, क्योंकि सुरेश और सीता द्विवचन हो गए दो, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन है करता, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं पठता, सॉरी पठता में। सुरेश और सीता पढ़े, सुरेश सीता से पठता, सीता गीता और राधा पढ़े, तो सीता गीता और राधा प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठंतु, सीता गीता राधा च पठंतु। उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सभी कर्ता प्रथम पुरुष होते हैं,
ये लोट लकार आज्ञार्थ केवल प्रथम पुरुष की क्रियाएं लिखी हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रियाओं के वाक्य हम बना चुके हैं। अब प्रथम पुरुष की क्रियाओं के वाक्य बना रहे हैं। आप पढ़ो तो आप प्रथम पुरुष एक वचन है, भवान प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठतु भवान पठतु, आप पढ़ो। आप दोनों पढ़ो तो आप दोनों की संस्कृत हुई भवंतो, द्विवचन तो द्विवचन पठताम, भवंतो पठताम, आप दोनों पढ़ो। आप सब पढ़ो तो आप सब की संस्कृत हुई भवंत है, प्रथम पुरुष बहुवचन तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठंतु भवंत पठंतु। इस प्रकार से आप शब्द है भवान भवंतो भवंत, एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक वचन के लिए हम भवान यूज करेंगे, द्विवचन के लिए भवंतो और बहुवचन के लिए भवंत है। ये सब कर्ता इधर भी लिखे हुए हैं। आप पढ़ो तो आप शब्द कोमल है, हम आप पुरुष को भी बोल सकते हैं और स्त्री को भी बोल सकते हैं, तो इसलिए कॉमन है। जब वाक्य से पता चलता है हमें कि सेंटेंस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, जैसे आप पढ़ती थी तो इस लंगलकार में तो हमें मालूम चल जाता है। आप पढ़ो भवती पढ़तु, भवती प्रथम पुरुष एक वचन, देखिए भवती प्रथम पुरुष एक वचन, आप पढ़ो। आप दोनों पढ़ो भवतेव पढ़ता, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। आप सब पढ़ो भवते है पठंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन भवते पठंतु। तो इस प्रकार से ये पुल्लिंग है, भवत शब्द भवान भवंतो भवंते, ये आप शब्द पुल्लिंग के करता है, और ये आप शब्द स्त्रीलिंग के करता है, भवती भवतेव भवते। नेक्स्ट वाक्य है वह पढ़े, तो वह से प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठतु तो से पठतु। वे दोनों पढ़े, वे दोनों की संस्कृत तव, तव पठता द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठंतु, ते प्रथम पुरुष बहुवचन है ते पठंतु। वह पढ़े तो वह पढ़े सा पढ़तु, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े ते पढ़ता, वे दोनों ते पढ़ता, वे सब पढ़े ता पठंतु, ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यह पढ़े अयम पढ़तु, ये दोनों पढ़े इमो पढ़ता, ये सब पढ़े इमे पठंतु। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं लोट लकार के आज्ञार्थ के।